मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। सुननी आपको अच्छा लगेगा ना, हर रोज आप स्टडी करते हो, राइटिंग करते हो, रीडिंग करते हो, तो इससे हटके आज मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगी। तो एक बार एक लड़का होता है, उसका नाम होता है टोनी। उसका क्या नाम होता है? टोनी। लड़के का क्या नाम होता है? टोनी। टोनी पहली कक्षा में पढ़ रहा होता है। टोनी कौन सी कक्षा में पढ़ रहा होता है? पहली कक्षा में। वो बहुत ही शैतान लड़का होता है अपनी क्लास में, सबसे ज्यादा शैतान। वो जैसे ही क्लास में जाता है तो सारे के सारे बच्चे उससे डर जाते हैं और वो चुपचाप एकदम साइलेंट होके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही टोनी भाग करके जिसको तो वो वॉशरूम जाना है या पानी पीना है, तो टोनी सबसे पहले जा करके पानी पिएगा और दूसरे बच्चों को पीछे धकेल देता है। तो इस तरह से सारे के सारे बच्चे उससे बहुत परेशान होते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा बच्चा और आया क्लास में, उसने एडमिशन लिया क्लास में और उसका नाम होता है दीपू। क्या नाम होता है? दीपू। दीपू भी बहुत ताकतवर होता है तो वो, लेकिन दीपू बहुत ही पोलाइट वे में क्लास में रहता है, सबसे प्यार से बोलता है और वो कुछ दिनों में ही सब बच्चों से एकदम घुल मिल जाता है। तो सारे बच्चे बड़े खुश होकर के दीपू से बातें करते हैं और दीपू भी उनको अपने बुक्स, पेंसिल, इरेजर शेयर करता है, लंच भी सब एक दूसरे के साथ शेयर करके खाता है। तो सारी पूरी क्लास दीपू से बड़ी खुश हो गई और उधर टोनी से तो पूरी क्लास बहुत दुखी थी। एक दिन दीपू ने टोनी को कहा कि टोनी यार, आप इतने बच्चों को क्यों परेशान करते हो? बच्चे आपसे बहुत दुखी हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सबके दोस्त हैं, आपको इनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि आपको इनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। तो टोनी ने सोचा कि हाँ, दीपू कह तो सही रहा है। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद बच्चे तो टोनी से उतना ही डरते थे। फिर उसने कहा, एक बच्चे को बुलाया, आप ना राहुल, आप इधर आइए, यहाँ पे बैठ जाइए मेरे साथ, चलो आज हम खाना इकट्ठा ही खाएंगे। इस तरह से सारे बच्चे कुछ दिनों के बाद टोनी से भी इतने प्यार से बोलने लगे और टोनी एकदम अच्छा बच्चा बन गया। तो हमें क्लास में कभी भी फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, सब बच्चों को प्यार से रहना चाहिए। अगर हमें एक दूसरे की हेल्प करनी पड़े तो हमें हेल्प करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसके क्लास वर्क में हमें हेल्प करनी चाहिए, होमवर्क में भी हेल्प करनी चाहिए और सबसे प्यार से बोलना चाहिए। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगी, वो जो शरारती बच्चा था उसका क्या नाम था? टोनी। क्या नाम था? टोनी। तो टोनी कौन सी कक्षा में पढ़ता था? पहली कक्षा में पढ़ता था ना, टोनी पहली कक्षा में पढ़ता था। तो वो तो बहुत ही शैतान था। वो जो दूसरा बच्चा आया था उसका क्या नाम था? दीपू। क्या नाम था? दीपू। तो हम सबको मिलकर रहना चाहिए। और कल मैं फिर आपसे ये कहानी सुनूंगी, तो आपको तैयार होकर के आना है। बाय।